हाय फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर आसिम आपके सामने आज कुछ डिफरेंट वीडियो के साथ। आज फ्राइडे का दिन है तो हम लोग जा रहे हैं आज बाहर शॉपिंग के लिए। ये मेरे लिटिल मास्टर मोहम्मद मुतार नाम है इनका, मेरे बेटे। अभी हम लोग बाहर निकल रहे हैं घर के कुछ शॉपिंग करने के लिए। ये देखिए, ये स्टेयरकेस से हम लोग अभी नीचे जाएंगे। ये देखिए, ये बाहर का नज़ारा है। अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं। मेरे बेटे काफ़ी शौकीन हैं, एक्साइटमेंट में हैं कि हम लोग बाहर जा रहे हैं। वो कभी कभार मेरे साथ साथ ड्राइव भी करते हैं। ये देखिए, ये वीडियो हर वो शख्स के लिए जो अपनी ओन कार रखते हैं यहाँ पर सऊदी में, या फिर हॉर्स ड्राइवर, या फिर कौन से भी ड्राइवर के पोजीशन पे आना चाहते हैं सऊदी अरेबिया के लिए, तो वो लोग के लिए भी ज़रूरी वीडियो है ये। वो लोग कंसंट्रेट करें इस वीडियो पर। ये देखिए, सिग्नल पर रेड सिग्नल था जब से, अभी जैसे ही ग्रीन सिग्नल होगा यहाँ पर आप सेकंड्स भी देख सकते हैं, 28 सेकंड्स, 27 सेकंड्स। ऐसे अभी मैं यू टर्न लूँगा क्योंकि हम लोग को अपोजिट साइड जाने का है। ये देखिए, यू टर्न ले चुका हूँ मैं। ये मैकडोनल्ड्स है। अक्सर यहाँ पर अरबी में नाम होते हैं शॉप्स के, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए, खुद हुए तो जब आप नए नए आएंगे सऊदी अरेबिया में तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखिए, अभी सीधे जा रहा हूँ मैं सिग्नल से पार होकर। ये पेट्रोल पंप है। ये देखिए, स्ट्रीट्स भी, इवन स्ट्रीट्स भी जो अंदर वाले रोड्स हैं वो भी कितने नीट होते हैं यहाँ पर सऊदी अरेबिया में। कहीं पर भी जो है पैचेस हुए नहीं होते रोड पर, साफ़ सुथरी रोड होती है। और यहाँ पर 99% फोर व्हीलर ही मिलेंगे आपको। टू व्हीलर्स भी होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, नए के बराबर होते हैं। और ये देखिए आप, आपको एक भी टू व्हीलर नहीं दिखेगी, सिर्फ फोर व्हीलर्स ही है। और बेहतर चीज़, और यहाँ पर एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ बहुत कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर नॉइज़ पोल्यूशन हो या फिर एयर पोल्यूशन हो कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर कानून ज़्यादा सख्त है। पीरियडिक इंस्पेक्शन होता है गाड़ियों का, और आपके पास पास भी होता है जो गाड़ी का। ये देखिए, बल्दिया है, ये म्यूनसिपालिटी के लोग हैं। ये लोग कचरा डेली साफ़ करते हैं तो उसकी वजह से भी आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। ये देखिए, नीट एंड क्लीन रोड से पूरे। जी, आपको साइड मिरर में भी फोकस करना है जब आप ड्राइव कर रहे हो। ये देखिए, साइड मिरर भी मैं कैप्चर कर रहा हूँ यहाँ पर। ये सीधे आप वाइट कलर के आप ट्रैक्स भी देख सकते हैं। ये लेफ्ट साइड वाली जो है, आपको स्पीड में अगर आपको जाना हो तो आपको लेफ्ट वाली फर्स्ट ट्रैक यूज़ करनी है।
ऐसे ही अगर आपको स्लो जाना है या आपको राइट टर्न लेना है तो आप लास्ट वाली ट्रैक यूज़ कर सकते हैं, कोने वाली। ये देखिए हम लोग पार्क की तरफ बढ़ रहे हैं अभी। ये एक पार्क है छोटा सा, बस ऐसे ही क्लाइमेट थोड़ा सा बेहतर था तो हम लोग बाहर निकले आउटिंग के लिए। ये पार्क है, अक्सर हम लोग यहाँ पर आते हैं ये पार्क में। ये देखिए पार्क का एंट्रेंस है ये, बाहर की तरफ से, मेन रोड की तरफ से। ये देखिए अभी मैं ड्राइविंग पर हूँ। सीट बेल्ट ज़रूरी है क्योंकि उसके लिए भी चालान होता है, यहाँ पर पेनाल्टी होती है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, तो आपको सीट बेल्ट लाजमी लगाना है। ड्राइविंग स्पीड की भी लिमिट होती है, वहाँ पर बोर्ड्स होते हैं, बोर्ड्स पर लिखा हुआ था। ये देखिए लेफ्ट इंडिकेटर आने, अभी इट मीन्स मैं आगे जाकर यू टर्न लेने वाला हूँ, क्योंकि पार्क अभी जो, अभी मैं आपको बताऊँगा जो पार्क में हम लोग जाने वाले हैं। ये देखिए जो अब लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिख रहा है ग्रीन कलर की गेट रहेगी उसकी, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर उस रोड पर आना है मेरे को। तो अभी मेरा इंडिकेटर भी ऑन है, अभी मैं आगे जाकर यू टर्न लूँगा। इंडिया से डिफरेंट सिस्टम रहेगा, अपोजिट, क्वाइट अपोजिट रहेगा, क्योंकि इंडिया में राइट साइड स्टेयरिंग होती है। ये देखिए मेरे बेटे शरारत कर रहे हैं कि वो गाड़ी चलाएंगे, गियर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। ये देखिए लेफ्ट में एक छोटी सी ट्रैक है, वहाँ पर आपको जाकर वेट करना है कि सामने वाली साइड से कुछ गाड़ी ना आए। देखिए अभी मैं आसानी से अभी यू टर्न ले सकता हूँ। यू टर्न लेते वक्त आपको दो तीन चीज़ें ध्यान में रखना है कि आपको लेफ़्ट इंडिकेटर ऑन रखना है आपका, और आपको लेफ़्ट साइड मिरर, राइट साइड मिरर पे आपको फोकस करना है। ये देखिए अभी मैं राइट साइड पर वो ग्रीन गेट वाली पार्क में जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं राइट कॉर्नर पर आ चुका हूँ, बिल्कुल कॉर्नर वाली ट्रैक से। ग्रेजुअली मैं जो है अभी राइट की तरफ जाऊंगा, पार्किंग वाली साइड। ये देखिए सूरज ढल रहा है अभी, वो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, सूरज ढलने का टाइम है अभी। ये देखिए पार्क यही है, ये सेकंड एंट्रेंस है, आगे जाकर रहेगा मेन एंट्रेंस। ये देखिए ये सारा पार्क है, यहाँ से अभी मैं डाइवर्ट करूँगा पार्क की तरफ। ये देखिए यहाँ पर डाइवर्ट हो रहा हूँ मैं, हाईवे से इधर आ चुका हूँ मैं पार्क की ओर। ये देखिए यहाँ पर पार्क करना होगा एंट्रेंस के बिल्कुल करीब में। ये देखिए ये मेरे बेटे हैं, हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं। सर्दी काफ़ी है, ठंड ज़्यादा है, उसकी वजह से मैं भी स्वेटर पहन चुका हूँ। ये देखिए कोई शोर शराबा नहीं, कुछ नहीं, कानून सख्त है यहाँ पर। ये देखिए शाम 6:30 बजे के आसपास का टाइम है। इसी बहाने
मुझे चाय भी मिल चुकी है गर्मा गर्म। डिफरेंट भी रहेगा, घर के बाहर निकलने पर डिफरेंट क्लाइमेट रहेगा। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा आई है। मैं कैप्चर कर चुका हूँ उस नज़ारे को। ये वापस हो रहे हैं हम लोग थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। ये देखिए जब पिछले मिनट तक जो ड्राइविंग किया था मैंने वो डे टाइम था, अभी देखिए ये नाइट टाइम शुरू हो चुका है। इसी वजह से आप लोग ये लाइट्स भी देख सकते हैं, लाइट्स सारे ऑन हो चुके हैं। अभी देखिए सामने बोर्ड आ रहा है, ये सर्किल, इट मीन्स आपको यहाँ पर राउंड अबाउट मिलेगा। राउंड अबाउट से हमको सीधे जाना है। आप लोग फोकस करिएगा वीडियो में कि मैं ट्रैक के बीचों बीच जा रहा हूँ, जो ट्रैक्स है वहाँ पर रोड पर। स्पीड ब्रेकर से भी पार हो चुका हूँ मैं। ये देखिए राउंड अबाउट रहने की वजह से दूसरी ओर से भी गाड़ी आ रही है। आपको सामने भी फोकस करना है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आपको साइड मिरर्स पर भी ज़्यादा फोकस करना है। ये देखिए मैं कोने वाली ट्रैक से जा रहा हूँ, क्योंकि आपको राइट कॉर्नर वाली ट्रैक पर आपको राइट टर्न लेना हो या फिर आपकी स्पीड स्लो करनी हो या आप जल्दी में नहीं हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। लेफ्ट की पहली वाली ट्रैक पर आपको यू टर्न लेना हो तो आप वो ट्रैक यूज़ कर सकते हैं। बेहतर रहेगा कि आप बीच वाली ट्रैक पकड़ें, बीच वाली ट्रैक। ये देखिए साइड मिरर से भी आपको कंसंट्रेट करना होता है, ज़्यादा केयरफुल होना होता है, इसीलिए मैं साइड मिरर से भी बता रहा हूँ आपको कि पीछे से जो गाड़ी आ रही है आप उस पर भी नज़र रख सकें। कहीं धुआं नहीं दिखेगा आपको, कहीं कचरा नहीं दिखेगा रोड पर, नीट एंड क्लीन रहेगा एकदम। ये देखिए सामने की गाड़ी को भी आपको एनालाइज करना है कि वो कितनी स्पीड से जा रहे हैं, उसी हिसाब से आपको ड्राइव करना होता है। ये देखिए शाम का नज़ारा है, तकरीबन 7 बजे के आसपास का। ये सिग्नल है देखिए, ये सिग्नल से अगर आप लेफ़्ट जाएंगे तो आपको यू टर्न लेना पड़ेगा। ये देखिए अभी मैं यू टर्न लूँगा यहाँ से, इसी वजह से मैं यहाँ पर फर्स्ट ट्रैक पर हूँ। ये देखिए यहाँ से यू टर्न ले रहा हूँ मैं, इंडिकेटर भी आप देख सकते हैं लेफ़्ट का ऑन है। ये देखिए साइड मिरर से फिर एक बार आपको वीडियो में बता रहा हूँ। ये देखिए ये कुल्लू से खमसा रियाल या आशरा रियाल, कुल्लू से के माने ये है कि एवरी आइटम, हर आइटम 5 रियाल या 10 रियाल होता है। मैं जानबूझकर ये वीडियो आज बनाया हूँ ख़ास तौर पर इस शॉप में, क्योंकि मेरे कई यूट्यूब व्यूवर्स वो लोग अभी नया नया सऊदी आए हैं या फिर आना चाहते हैं, वो लोग मैसेज करते हैं कि कितना ख़र्चा होता है सऊदी अरेबिया में। मैं ऑलरेडी इससे रिलेटेड एक वीडियो बना चुका हूँ कि टेक्नीशियंस के लिए कितना मंथली एक्सपेंस होता है उनका, तो वो लोग के लिए मेरा यही मशवरा है कि वो लोग जब आएँ तो ऐसे शॉप्स को तलाश करें जो आपको कम से कम में आपकी शॉपिंग करा सकते हैं। ये देखिए एक प्रॉपर वे में अरेंज किए हुए हैं हर वो आइटम।
ये कुल्लू से 5 रियाल है, एवरी आइटम 5 रियाल वाली शॉप है ये। ये देखिए हर वो आइटम आपका जो रोज़मर्रा की लाइफ में यूज़ होता है, क्रॉकरीज हो गए और भी बहुत सारे हैं जो आप वीडियो में देख सकते हैं। शॉपिंग हम कर चुके हैं, अभी वापस हो रहे हैं हम घर की तरफ। ये देखिए सिग्नल से अभी मैं रेड रेड ले रहा हूँ। जब हम रेड जाएंगे सिग्नल से तो आपको फ्री होता है, अगर फ्री नहीं रहेगा तो वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा बोर्ड पर कि आपको रेड आपको ममनू है, यानी आप नहीं जा सकते वहाँ पर। ये देखिए अभी रेड टर्न लेकर अभी मैं सीधे जा रहा हूँ मेरे घर की ओर। यहाँ पर एक सिग्नल है, रेड सिग्नल आप देख सकते हैं, तो मैं इसलिए बीच के ट्रैक पर हूँ अभी, बीच वाले ट्रैक पर, क्योंकि अगर मैं कॉर्नर वाली रहूँगा तो आगे जाकर रेड मुड़ने वाले जो गाड़ियाँ होते हैं वो लोग ठहरते हैं वहाँ पर। ये देखिए अभी ग्रीन सिग्नल आ चुका है, हालांकि यहाँ पर रेड साइड पर अभी जगह थी लेकिन मैं नहीं ठहरने की वजह ये थी कि मुझे सीधे जाना है। अक्सर ये कॉर्नर वाली ट्रैक से रेड टर्न होते हैं, जैसा कि अभी आप रेड पर एक देख सकते हैं, एक सब रोड गई है अभी। ये देखिए सीधे जा रहा हूँ मैं मेरे घर की ओर। इसके बाद जो मैं पोस्ट करूँगा वो वीडियो भी आप लोग देखिएगा, वो भी हिंदी में रहेगी। फैमिली एक्सपेंस कितना रहेगा, क्योंकि मेरे लास्ट वीडियो में मैंने पोस्ट किया था कि टेक्नीशियन के लिए कितना होगा। ये देखिए वापस हम लोग घर को पहुँच चुके हैं, देखिए वेटिंग एरिया है ये। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बस इतना ही था इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा ज़रूर।